नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारनौंद की अनाज मंडी में नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एसडीएम विकास यादव ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एसडीएम विकास यादव समेत अनेक विशिष्ट जनों ने योगिक क्रियाएं कर लोगों को जीवन में योग अपनाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को अमेरिका से योग साधकों को लाइव सुनाया गया। नारनौंद के एसडीएम विकास यादव ने नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों की जीवन शैली में योग को शामिल करवाना है। हर व्यक्ति को योग अपनाकर जीवन जीना चाहिए। ऐसा करके हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की बदौलत भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, जो हर भारतवासी के लिए गौरव और गर्व की बात है। आयुष विभाग की डॉक्टर तनुजा ने कहा कि योग एक ऐसी विधा है जो शरीर के हर रोग को खत्म कर सकती है। हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग अपनाना चाहिए। योग केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर तनुजा, आयुष विभाग की तरफ से, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर राकेश शाहपुर। आज हम यहाँ पे नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें योग अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। योग से सारी शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियों का इलाज संभव है। एक घंटा हम सुबह योग के लिए दें तो वो हमारा पूरा जीवन सफल रहता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बहुत सुरेश जी ने भी अच्छा प्रोटोकॉल किया, अच्छा योग की क्रिया दी और अच्छा मतलब सब अच्छे से संभव हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आयोजन नारनौंद में ब्लॉक स्तर पे और बास के अंदर भी खंड स्तर पे हुआ है। 300 के आसपास छात्रों ने इसमें भाग लिया और जो पतंजलि योग समिति और ब्रह्म कुमारी और अन्य जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है और लोकल जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। काफ़ी सफल आयोजन रहा है। प्रोटोकॉल अनुसार हमने कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों से योग के प्रति जो जानकारी है, जो चेतना है, वो बढ़ती है। जैसे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने जीवन को के उत्थान के लिए, उसमें सुधार के लिए योग किया जाए। ये तो सभी को पता है कि हमारा स्वास्थ्य की रक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि क्यूरेटिव केयर। योगा हमें वो अलाउ करता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है का रक्षण हो बजाय कि हम बीमार हो के फिर ठीक हो। एक वर्ष ही इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को होता है उसको इस कार्यक्रम का आयोजन का सरकार का जो है कटिबद्धता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।